के पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ कमर कस ली। शहर भर के सुपर स्टोर्स को दो हफ्तों में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों का स्टॉक उठाने की डेडलाइन दे दी है। हतमी वार्निंग और नोटिस जारी कर दिए हैं। अमल दरामद ना करने वाले स्टोर्स का स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा, जबकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना है कि डेडलाइन गुजरने के बाद स्टोर्स मालिकान गैर कानूनी कंपनियों का स्टॉक उठाने के पाबंद होंगे। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ कमर कस ली है। शहर भर के सुपर स्टोर्स को दो हफ्तों में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों का स्टॉक उठाने की डेडलाइन भी दे दी गई है। उन्हें हतमी वार्निंग और नोटिसेस भी जारी कर दिए गए हैं और अमल दरामद ना करने वाले स्टोर्स का स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नुमाइंदा लाहौर रंग दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी दानिश मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शहर भर के तमाम सुपर स्टोर्स को जो है वो दो हफ्तों की गैर में जो है वो गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड कंपनी का स्टॉक उठाने की डेडलाइन दे दी गई है। जबकि तमाम मालिकान जो है वो सुपर स्टोर्स के वो हतमी वार्निंग के बाद जो है वो इस सामान को उठाने के लिए वो जो है वो उनके ऊपर उठाना जरूरी होगा। अगर वो सामान को नहीं उठाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेडलाइन गुजरने के बाद जो है वो स्टॉक उठाने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान जो है वो क्वालिटी कंट्रोल की जानिब से जो है मुहिम शुरू कर दी गई है। तमाम सुपर स्टोर पर जाकर जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल के जो अफसरान हैं वो लोगों को इस बारे में हदायत दे रहे हैं कि किसी भी किस्म की गैर रजिस्टर्ड और गैर जरूरी जो है वो कंपनी उनसे सामान ना खरीदा जाए। जबकि वो पाकिस्तान वजीर आजम खान की हिदायत पर डीजी ने सुपर स्टोर पर जाकर जो है वो लोगों को हिदायत दी और स्टोर मालिकान को जो है वो एक तरह के गैर रजिस्टर्ड सामान को उठाने का हुक्म भी जारी किया है। जी बिल्कुल, गैर जरूरी और गैर कानूनी रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ उनसे माल खरीदने से पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दानिश मुनीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।